तो यार 5000 सब्सक्राइबर तो हो चुके हैं कब का, अब इंतजार है 10000 का। तो उम्मीद है कि आप लोग पक्का 10000 जल्द से जल्द कर दोगे और एपिसोड 89 विद हिंदी सबटाइटल्स मैं रात 12 बजे के बाद कभी भी डाल सकता हूँ फेसबुक पेज पर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो वीडियो पूरा जरूर देखना। पहले बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में, फिर बात करेंगे स्पॉयलर्स के बारे में। वैसे आज ये देखने को मिल गया कि फीमेल ब्रॉली कौन है, वो ना तो क्लॉलीफ्ला है ना तो यूराइन है, उसका नाम अब दोस्तों आखिरकार सामने आ चुका है, काली। कुछ लोगों ने ये समझ बैठे थे कि कॉलीफ्ला ही फीमेल ब्रॉली है, वो अपने हेयर टाई करेगी टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए फिर मैदान पे उतरेगी, पर इधर तो पूरा सीन ही पलट गया है भाई। जब काबा क्लॉलीफ्ला से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी टीम में आ जा ये वो, तो साइड से शर्माती हुई एक लड़की देखने को मिली हमको, तो वो ही है फीमेल ब्रॉली। ना तो उसका नाम यूराइन है ना तो उसका नाम क्लॉलीफ्ला है, और ना तो यूराइन फीमेल ब्रॉली है ना तो क्लॉलीफ्ला। तो यार यही था जो भी आज के एपिसोड में था, और टूर्नामेंट ऑफ पावर अब सीधा अगले महीने तक शुरू होगा, अगले महीने मतलब वही जून तक। वो लोग पूरे मई मंथ में हमको ऐसी ही अजीबोगरीब स्टोरीज दिखाते रहेंगे। और इधर आते हैं अब स्पॉयलर्स 90, 91, 92 एंड 93 के एपिसोड के स्पॉयलर्स पर। 90 एपिसोड का टाइटल है कि ओवरकमिंग द वॉल गोकू एंड गोहान। 90 एपिसोड में गोकू और गोहान की फाइट होगी और गोहान अपनी ट्रू पोटेंशियल को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, और बाकी का तो यार सब बात कर चुके हैं हम उसके बारे में पहले से ही, तो वही बार बार बता के कुछ फायदा नहीं। तो अब आते हैं 91 के स्पॉयलर्स में, द माइटेस्ट वॉरियर असेंबल। 91 के स्पॉयलर्स में ये नहीं बताया गया है कि कौन से वॉरियर मिलेंगे और वो लोग कौन से यूनिवर्स के होंगे, पर अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो मुझे लगता है कि जितने भी यूनिवर्स 7 के फाइटर्स होंगे वो सारे मीट एंड ग्रीट करेंगे, जितने भी मतलब टीम मेंबर होंगे सारे साथ में मिलेंगे, वो लोग प्लानिंग करेंगे कि इसको कैसे पकड़ के मारना है, उसको कैसे पकड़ के मारना है, भाई इसकी ऐसी धुलाई होगी, उसकी ऐसी धुलाई होगी। देखो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, पर मेरा अंदाज तो यार इधर तक ही जा रहा है तो शायद ऐसा ही हो कुछ। तो अब आते हैं 92 के स्पॉयलर्स में, ऑल द मेंबर्स आरेंट हियर। ऑल द मेंबर्स आरेंट हियर का मतलब कोई तो मिसिंग है, मतलब अब तक पूरे 10 मेंबर नहीं हुए हैं। देखो मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, पर चाय से माजिन बू सोता रहेगा जब उसके सारे टीम मेंबर तैयार हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ ना तो धोखा होगा हम सभी के साथ, पर चांसेस है यार ऐसा होने को। एक तो माजिन बू हम सबको पसंद है और उसका न्यू फॉर्म देखकर लोगों ने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किए, और उसने कितनी मेहनत और कितनी ट्रेनिंग की टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए, तो जिनकी उम्मीदें हैं माजिन बू से अगर ऐसा हुआ तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, तो भाई ऐसा ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। और अब इधर लास्ट स्पॉइलर है कि एपिसोड 93 यू आर द 10th वॉरियर गोकू गोस टू फ्रीजा। इसका मतलब ये है कि गोकू फ्रीजा के पास जाएगा और फ्रीजा को रिक्वेस्ट करेगा कि तुम भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा लो। कुछ के मन के अंदर अब ये सवाल आता होगा कि 10 मेंबर होने के बाद भी फ्रीजा को क्यों लिया जाएगा। तो यार देखो अगर बू सो जाता है, उठता नहीं है, तो उसके जगह पर शायद फ्रीजा को ही लेना पड़ेगा, या तो गोकू को लगता है कि अगर उसकी टीम में कोई परफेक्ट नहीं है टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तो वो उसको फ्रीजा से रिप्लेस कर देगा। और बहुत ही ऑकवर्ड है ये चीज मेरे लिए सच्ची। मेरे मन के अंदर ये बात चल रही है कि अगर फ्रीजा ने मैच के वक्त कुछ गद्दारी किया तो गोकू के साथ, या उसने ज्यादा अपना दिमाग चलाया तो क्या होगा। तो देखो फ्रीजा को कंट्रोल में रखने के लिए एक आदमी है, बीरस हकाइशिन बीरस समा, और हमने बहुत पहले के एपिसोड्स में देख चुके हैं ये फ्रीजा का रिएक्शन। जब वो बीरस को देखता है तो फ्रीजा समझ लो डरता है बीरस से, उसको पता होगा अगर उसने अपना खुद का दिमाग लगाया या कुछ उसने कुछ उल्टी फुल्टी हरकत की तो बीरस छोड़ेगा नहीं उसको। तो यार आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और तुम चाहते हो कि अगर मैं आगे फ्यूचर में ले दनादन ऐसे ही स्पॉयलर्स लाते रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो आएगा वेडनेसडे तक, और 89 एपिसोड कल सुबह 7 बजे तक या 3 बजे तक तुमको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। सो जाओ लाइक करो फेसबुक पेज को। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।